हमारे घर में बन रहा है किचन में, देखिए मकर संक्रांति का, यानी हम फिर आप लोग से विदा मांगेंगे। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सचुरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? भगवान की कृपा से ठीक ही होंगे दोस्तों, और हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और कुछ दिक्कत है तो इस तरह से इंसान आते जाते रहते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम अभी भी है। और दोस्तों, मैं 1 जनवरी के बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया हूँ 2024 का, जो मसीह में ही आजम का जो दिए हैं वीडियो। और अभी चलिए दोस्तों, मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर घंटे की दबाएं, और मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आज दोस्तों चलिए चलते हैं किचन। किचन में वाइफ मेरा लड़वा बनाने के लिए गुड़ को राउंड कर रहे हैं, गुड़ की तैयारी कर रहे हैं। लड़वा जो बनाते हैं उसको बनाना पड़ता है लोहाटी में गर्म करके, पूरा तारदार तार बना देते हैं, और उसके बाद उस गुड़ तैयार हो जाता है। उसके बाद मुझे मूढ़ी चना वगैरह सब सब कुछ उसमें डाल के जो भी गोल 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 लड़वा बनाते हैं हम लोग। तिल, हम लोग तिल संक्रांत बोलते हैं, आप लोग मकर संक्रांत बोलते हैं, अपने अपने देश का भाषा है। और चलिए चलते हैं किचन, ठीक है दोस्तों। और देखिए मेरा संक्रांत के शुभ अवसर पर जो मैं लड़वा तैयार कर रहा हूँ घर में पति पत्नी मिल के खाने के लिए, और बच्चे उचित कोई नहीं है, सिर्फ बेटी मेरे आएगी 2 दिन के लिए, और उसके बाद तिल संक्रांत का पर्व हम लोग को कट जाएगा। चलिए चलते हैं किचन और देखिए कैसे तैयारी करते हैं तिल संक्रांत का बनावट, ठीक है। हमारे घर में बन रहा है किचन में देखिए लड़वा, मकर संक्रांति के शुभ अवसर दोस्तों हमारे घर लड़वा बन रहे हैं, चावल का, मुढ़ी का, और फ्राई चूड़ा का, चना का, और मूंगफली का, ये सब बना रहे हैं। गुड़ कैसे राउंड कर रहे हैं देखिए, ये देखिए गुड़ राउंड हो रहा है, ठीक है। गुड़ में झाग आ जाएगा एकदम, पूरा इस तरह से तार के तरह निकलने लगेगा। उसके बाद फिर इसमें अभी डालेंगे, देखिएगा मूढ़ी, और अभी कुछ बन चुका है, और देखिए अभी बना रहा, ये देखिए यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। देखिए चना का बन गया है, चूड़ा फ्राई का बन गया है, और मूँगफली भी है, और साथ में ये देखिए रंग लग रहा है, देख लिए। और राउंड होने दीजिए, उसमें डालते हैं कैसे बनाते हैं मुट्ठी मुट्ठी गोल से, और मिलकर वो जो नीचे बनाए हुए हैं चना का फ्राई चूड़ा का, वो मिलकर हम भी बनाए हैं, और अभी जस्ट देखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप लोग भी सीखिए और घर में बनाइए, सब परिवार मिलकर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खाइए मस्ती से। हम लोग 2 दिन पहले बनाते हैं, 2-4 दिन लेट तक खाते रहेंगे, ठीक है। देखिए मूढ़ी डाल रहे हैं, देखिए मूढ़ी डाल दिया, उसमें मूढ़ी डाल दिया, अब मिक्स करेगा वो राउंड गुड़ में, मिक्स हो रहा है। देखो इधर देखिए कैसे राउंड गुड़ से निकाल के लोहाटी से देखिए सूप में रखें, ठीक है। सूप डगरा प्लाट या बड़े बड़े टोकरी में जिसको जैसा सुविधा है, साथ में हमारा छोटा सा जगह है, छोटे से जगह में एडजस्टिंग करना पड़ रहा है, और मिलके बनाते हैं। ऐसे लड़वा बनाते हैं, की बन गया लड़वा, ठीक है। लड़वा बन गया साथियों, चापना पड़ता बहुत ताकत लगा के, तभी तू पकड़ लेगा ये। आप लोग शायद चक्कर बोलते हैं, हम लोग गुड़ बोलते हैं,
ये मकर संक्रांति का यानी हम लोग तिल संक्रांत बोलते हैं साथियों, और बन के मेरा 14 जनवरी मकर संक्रांति तिल संक्रांत का सामग्री खाने वाला तैयार हो गया है। देखिए कौन कौन सा लड़वा कितना अच्छा सेफ स्टील के ड्राम में रख रहे हैं। बच्चे बच्चे कोई है नहीं, बच्चे वो आएंगे कल से शुरू होगा, एक ही आएगा बेटी मेरा, और तो कोई नहीं आएगा, और उसके बाद खाना शुरू हो जाएगा। एक बार हिन्ने देखो ऊपर उठाए मुड़ी, ऊपर उठावा देखा बेटी देवई थपने पर। चलिए बन के तैयार हो गया साथियों, और डिब्बा में पैक हो गया, प्लास्टिक में देखिए यू कि किसी बच्चे खोचे जो होगा उसमें रख देगा एक्स्ट्रा खाने के लिए, और उसमें अभी और सब भरेगा। ठीक है चलिए रखते हैं, देखिए फिर उसके बाद खा के टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से विदा मांगेंगे। ठीक है साथियों, और इसको कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए रहे हैं। इसमें लोहाटी में जब गर्म करते हैं इसमें गुड़ देते हैं, उसके बाद इसमें देखिए अदरक कुटा हुआ है, यहाँ देख लीजिए कौली में, शीशा के कौली में अदरक देते हैं, उजला तिल देते हैं वगैरह दे के फिर रान करते हैं। रान करते करते तार फूट जाता है, उसमें मूढ़ी चना मूंगफली जो भी चीज़ दे सकते दीजिए, और नीचे सूप में डाल के उसको बढ़िया से मिला के फिर गोल गोल लड़वा बना देते हैं, और उसके बाद खाते हैं। ठीक है तिल संक्रांति के रोज़ पूजा, इसको हम लोग घर में पूजा करते हैं, इसको चढ़ाते हैं, फिर भी टेस्ट करते हैं दोस्तों कैसा लग रहा लड़वा। दोस्तों कमेंट कीजिएगा हमारे हाथ का लड़वा बना हुआ कैसा है और कैसा स्वाद है, खाते हैं हम, स्वाद आप लोग बताइएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा क्या अच्छे से लड़वा बनाते हैं, बनाने का कला हम जानते हैं घर में, आप लोग जानते हैं नहीं जानते इसका कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, ये आप लोग से उम्मीद करते हैं। ठीक है वाह वेरी टेस्टी रहता। चलिए दोस्तों आप लोग से विदा मांगते हैं, जय हिंद जय भारत।